तो साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मनुस्मृति किस प्रकार से एक अतिरिक्त महिला की व्यवस्था करती है, क्योंकि उस जाति में महिला और पुरुष का अनुपात एक समान होना चाहिए। तो उस अतिरिक्त महिला की व्यवस्था करने के लिए मनुस्मृति नियम बनाती है और उसकी व्यवस्था करती है। तो इसी तरीके से अगर पति पत्नी में से पत्नी मर जाए तो अतिरिक्त पुरुष रह जाएगा। अब उस अतिरिक्त पुरुष की व्यवस्था मनुस्मृति कैसे करती है, या उस अतिरिक्त पुरुष की व्यवस्था कैसे कैसे की जा सकती है, क्या क्या रास्ते इसके हो सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी जाति का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त पुरुष की समस्या अतिरिक्त स्त्री की समस्या से भी अधिक महत्वपूर्ण और कठिन समस्या है। स्त्री की तुलना में पुरुष का स्थान अनादिकाल से ऊंचा रहा है, प्रत्येक वर्ग में उसकी स्थिति प्रभावशाली रही है और उसको गौरव दिया गया है। स्त्री की तुलना में पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता होने के कारण उसकी इच्छाओं का सदा ध्यान रखा जाता है। दूसरी ओर स्त्री सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, आसानी से शिकार बनती रही है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि अतिरिक्त पुरुष की व्यवस्था करना या अतिरिक्त महिला की व्यवस्था करने से भी ज्यादा कठिन मामला था, क्योंकि पुरुष जो है वो अपने परिवार में या अपने समाज में एक प्रभावशाली भूमिका में होता है, उसका अपना प्रभाव होता है, जिसके कारण अतिरिक्त पुरुष की व्यवस्था करना ये ज्यादा कठिन कार्य था मनुस्मृति के लिए या ब्राह्मणों के लिए। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हो तब अतिरिक्त पुरुष के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा कि अतिरिक्त स्त्री के साथ किया जा सकता है। मतलब अतिरिक्त पुरुष के ऊपर आप अलग अलग प्रकार के दबाव नहीं उसके ऊपर बना सकते हैं, मानसिक दबाव नहीं डाल सकते हैं, या उसको दयनीय स्थिति में नहीं ले जा सकते हैं। तो वो रास्ते नहीं अपनाए जा सकते जो कि एक स्त्री के लिए रास्ते अपनाए जा सकते हैं, वो पुरुषों के लिए रास्ते नहीं अपनाए जा सकते, ऐसा बाबा साहब का कहना है। अब मान लीजिए कि अतिरिक्त पुरुष बच गया, तो उस अतिरिक्त पुरुष की समस्या का हल करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, एक संभावना कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए, जैसे हम लेते हैं कि अतिरिक्त पुरुष की व्यवस्था करने में कौन कौन से रास्ते हम अपना सकते हैं, या जो रास्ते स्त्री पे अपनाए गए हैं क्या वो रास्ते पुरुषों पे अपना सकते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला रास्ता कि ये जो अतिरिक्त पुरुष बच जाता है, अगर इसको उसकी पत्नी के साथ में जला दिया जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा करना संभव है किसी पुरुष के साथ? तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है, पहला कारण यह है कि वो पुरुष है। दूसरा कारण यह है कि अगर उस पुरुष को जला दिया गया तो उस जाति को एक स्वस्थ पुरुष की हानि होगी। तो किसी भी समाज में, परिवार में जो पुरुष की जो प्रभावशीलता है उसके कारण उसको अगर जलाने की बात की गई तो इससे क्या होगा? चलो हम कल्पना करें कि मान लीजिए किसी परिवार में पत्नी मर गई और वो पति अकेला रह गया, विधुर रह गया। अब उसको अगर जलाने की बात की जाए तो परिवार इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, परिवार के साथ साथ में समाज इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, और जब समाज इसके विरोध में खड़ा होगा तो समाज जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा होगा, जब जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा होगा तो समाज ब्राह्मणों के भी विरोध में खड़ा होगा। तो पुरुष होने के कारण वो ब्राह्मणों के विरोध में चले जाएंगे, इससे तो ब्राह्मणों को नुकसान होगा और जाति व्यवस्था कायम नहीं रह सकेगी। और दूसरा यह है कि समाज को एक पुरुष की हानि होगी, ये दूसरा कारण है। अब किसी भी जाति का कोई भी परिवार और पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि पुरुष को जला दिया जाए, इससे उस जाति में या पुरुषों में असंतोष का निर्माण होगा और वह जाति व्यवस्था के विरोध में विद्रोह खड़ा कर देगा। तो ये पहला तरीका पुरुषों पे नहीं आजमाया जा सकता। दूसरा तरीका था कि उस अतिरिक्त पुरुष को आजीवन विधुर रहने के लिए जोर दिया जाए। तो पत्नी मर गई, अब पुरुष अकेला बच गया, तो वो जीवन भर बिना पत्नी के रहे, बिना औरत के रहे, इसके लिए उसको मजबूर किया जाए, तो उसे इसके लिए प्रेरित किया जा सकता था। यह समाधान तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं था। यह समाधान कठिन नहीं था लेकिन पुरुषों के ऊपर यह व्यवहारिक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका कारण जैसा बताते हैं
कि जैसे कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, यह आशा करना कि सभी पुरुष आजीवन विदुर रहेंगे या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती, एक मुश्किल बात है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। दूसरा, अगर वह जाति के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वह उस जाति के आदर्शों के लिए खतरा बन जाएगा, यानी वो व्यभिचार करेगा, जिससे जाति के अन्य पुरुषों का जाति व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का मत बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो विदुर बच गया तो फिर वो क्या करेगा, वो समाज के कार्यों में भाग लेगा। जब सामाजिक कार्यों में भाग लेगा, समाज में उठेगा बिठेगा, उनकी इधर जाएगा, तो वो दूसरी स्त्री के ऊपर नजर डाल सकता है। अब दूसरी स्त्री के ऊपर नजर डालेगा तो उस परिवार के पुरुष और इस विदुर पुरुष के बीच में विवाद खड़ा हो जाएगा। विवाद खड़ा होने से झगड़ा खड़ा हो जाएगा और वो झगड़ा जो है वो कलह में रूपांतरित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पुरुष है वो पुरुष जो है इस जाति व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए उस अतिरिक्त पुरुष को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते है कि भाई अब तेरी पत्नी मर गई तो तू बिना पत्नी के ऐसे ही जिंदगी भर रहे, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो फिर ये परिणाम आएगा, इधर उधर डोरे डालने का काम करेगा, तो तब फिर जाति में प्रॉब्लम हो जाएगी, जाति के पुरुषों के बीच में आपसी विवाद झगड़ा हो जाएगा, फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और वो पुरुष अंतिमतः इसी नतीजे पर पहुंचेंगे, उस निश्चित जाति के पुरुष, कि ये जाति व्यवस्था हानिकारक है और इसको नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी जाति में इस अतिरिक्त पुरुष को जीवन भर के लिए जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करवाने के लिए दबाव डालना ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये असफल उपाय है। इस नतीजे पर मनुस्मृति की व्यवस्था करने वाले, मनुस्मृति के कानून बनाने वाले जरूर पहुंचे होंगे। अब तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका था कि पत्नी के मर जाने के बाद जो अतिरिक्त पुरुष बच गया उसको गृहस्थ बनाए रखना, उसको शादी के लिए लड़की उपलब्ध करवाना। यह रास्ता उपरोक्त दोनों रास्ते की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक तरीका था। अब उस आदमी को अतिरिक्त लड़की उपलब्ध करवाना ताकि वो गृहस्थ बना रहे और जाति व्यवस्था के नियमों को भी ना तोड़े और जाति के अंदर भी किसी तरह का कलह ना हो, इसके लिए उस विधुर पुरुष के लिए एक लड़की की व्यवस्था करना जरूरी था। तो अब ये एक व्यवहारिक तरीका था, लेकिन इसमें एक समस्या यह थी कि यदि इस अतिरिक्त पुरुष के लिए उसकी हम उम्र स्त्री को देखा जाए तो उसी जाति के किसी दूसरे वर्ग के लिए एक स्त्री की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिससे जाति व्यवस्था को खतरा पैदा होगा। तो यहाँ बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस विदुर पुरुष के लिए उसके हम उम्र की कोई दूसरी महिला देखी जाए उसी जाति की और शादी करवा दी जाए तो फिर कोई अतिरिक्त पुरुष रह जाएगा, क्योंकि स्त्री पुरुष का अनुपात तो समान है। तो जो जिस स्त्री के साथ में इस विदुर की शादी कर दी तो वो स्त्री का हम उम्र समानुपात में कोई दूसरा लड़का होगा, तो वो लड़का फिर एक स्त्री से वंचित रह जाएगा। तो इससे फिर समस्या खड़ी हो जाती है, जाति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाता, क्योंकि वो एक पुरुष जो है वो अतिरिक्त हो जाता। ये समस्या ये थी कि ये विदुर था, यानी पत्नी के मरने के बाद में अतिरिक्त था, वो बिना पत्नी के अतिरिक्त हो जाता, तो उस निश्चित जाति में वो अतिरिक्त पुरुष ना रह सके। अगर हम उम्र इस महिला के साथ में विदुर की शादी कर दे तो वो बिना शादी के वैसे ही अतिरिक्त रह जाएगा। ये शादी करने के बाद पत्नी के मर जाने के कारण अतिरिक्त हो गया था और वो बिना शादी के अतिरिक्त हो जाता, तो फिर भी समस्या खड़ी हो जाती, फिर भी जाति व्यवस्था को धक्का पहुंचता। तो तब इस समस्या का हल अतिरिक्त पुरुष के लिए वधू की व्यवस्था उन लड़कियों से की जा सकती थी जो अभी विवाह योग्य नहीं हुई। तो मनुस्मृति ने इसका क्या हल निकाला? इसका हल ये निकाला कि जिसकी पत्नी मर गई है उसकी शादी ऐसी लड़की से कर दी जाए कि जो अभी विवाह के योग्य नहीं हुई है, उसकी अभी उम्र नहीं हुई है। ऐसा करने से क्या होता? ऐसा करने से वो अतिरिक्त पुरुष उसी जाति से जुड़ा रहता और उसे उसी जाति तक सीमित बनाए रखा जा सकता था, उसको एक ऐसी लड़की प्रदान कर दी जाती भलाई उसकी उम्र शादी लायक ना हो। तो यहाँ पर फिर महिलाओं का ही इस जाति व्यवस्था को मजबूत बनाने में उपयोग किया गया।
ऐसा करने से सजातीय विवाह व्यवस्था बनी रहती और जाति में किसी प्रकार का कोई व्यभिचार भी नहीं होता। अतिरिक्त पुरुष की समस्या का समाधान का यह सबसे बढ़िया रास्ता मनुस्मृति।